अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और मेरी रेसिपी का नाम है वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई के लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1-1 चम्मच और 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस के लिए हैं। 4 हरी मिर्चें काटी हैं मैंने और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे उनको चॉप कर लिया है। 1/2 पैकेट फ्रेश क्रीम का है और 1 पाव दही है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। जीरा पाउडर 1 टीस्पून और साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। तो चले आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम ऑयल का डालेंगे और ऑयल का डालने के बाद हम अब डालेंगे प्याज इसके अंदर। प्याज डालनी है हमने और ये ऑप्शन है आपके पास डालें या ना डालें। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है तो खाने में अच्छा लगता है। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इसको मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी और फिर बताती हूँ क्या करना है। 2 से 3 मिनट हो गए प्याज को फ्राई करते हुए, तो इसके अंदर मैं अब चिकन डाल दूंगी। चिकन की मैं थोड़ी सी भुनाई करूंगी और फिर साथ ही चिकन के साथ ही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आ जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। भुनाई इसकी हो रही है और भुनाई करते वक्त इस साथ में हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए। पाँच मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें इसी तरह का कलर आना चाहिए, ज़्यादा कलर आ गया तो ये वाइट नहीं रहेगी। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और जो मैंने आपको मसाले बताए थे ये सारे इसमें डाल दूंगी मैं। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी मैं। इसकी भुनाई हो गई है चिकन की। जब मैंने दही डाला था मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट, लेकिन इसको 5 मिनट लगे भूनने में। अब मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। ये 1/2 कप क्रीम है, इसको हमने ज़्यादा पकाना भी नहीं है क्योंकि क्रीम फट जाती है ज़्यादा पकाने से। इसको हमने बस थोड़ा सा पकाना है। और इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल दूंगी। वाइट चिकन कढ़ाई हमारी डन हो गई है तो इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। 3-4 हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और ये अदरक है बारीक बारीक कटा हुआ, इसको मिक्स करेंगे। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। वाइट चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। मेरे पास कढ़ाई थी तो मैंने इसमें डिश आउट कर लिया है। कढ़ाई तो कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर से मैं हरा धनिया डाल दूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।